ग्रो किया था वो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी और इतने बड़े बड़े फ्लावर्स इसमें आएंगे। आप ये देखिए, इसकी अगर आप देखेंगे तो बहुत पतली सी जो है इसके जो प्लांट है बहुत वीक से मुझे लग रहे थे, बट आप ये देखिए कितनी सुंदर इस पर फ्लावरिंग हुई है और भर भर के इस पर फ्लावर्स आए हैं। बहुत ही खूबसूरत जो है ये पूरा का पूरा प्लांट लग रहा है, मन को अनायास ही मोह ले रहा है। पुष्प की अभिलाषा हो या ना हो फ्रेंड, लेकिन हमारे मन की अभिलाषा ज़रूर होती है कि इतने खूबसूरत से पुष्प को देखते रहें और इतने खूबसूरत पुष्प को जो है हम अपने श्री हरि के चरणों में अर्पित करें। तो बस यही जो मन को जो प्रसन्नता मिलती है, जो खुशी मिलती है, वो अनमोल है फ्रेंड, उसका कोई मोल नहीं है। देखिए इतना भारी ये, इतने अपने भार से जो है ये झुक गया है, और इसके फ्लावर्स देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत। तो जो है मैंने ये जो प्लांट है मैंने कटिंग से ग्रो किया था, और आज आप देखिए आपके सामने कितना खूबसूरत जो है ये पूरा भरा हुआ है फूलों से। मैंने शायद इसकी कटिंग भी आप लोगों को दिखाई थी, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देखिएगा मेरी वीडियो में कि किस तरीके से जो है कटिंग से ग्रो करें प्लांट्स को। तो उसी में जो है मैंने बताया था किस तरीके से आप कटिंग लगा करके मैरीगोल्ड घर पर ही ग्रो कर सकते हैं, या कहीं से अगर आपके पास नहीं है और किसी के पास हैं तो आप वहाँ से ला करके भी जो है इसको ग्रो कर सकते हैं। तो मैरीगोल्ड की मेरे पास दो तीन तरह की किस्में हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये भी बहुत सुंदर लगते हैं, पूरा जो है पॉट इसमें भर जाता है, और अभी तो इस पर ब्लूमिंग स्टार्ट हुई है अभी, और जो है इस पर पूरा जब ये पूरी ब्लूमिंग पे आ जाता है तो पूरा पॉट फुल हो जाता है और बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है। और जो वो वाला मैरी गोल्ड है मेरे पास, उसका फ्लावर का साइज़ तो बहुत अच्छा है, बट उसके प्लांट का साइज़ भी थोड़ा बड़ा है। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही वो प्लांट फ्लावरिंग करने लगता है तो प्लांट एकदम से झुक जाता है, और जिसकी वजह से उसका टूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट इसको देखिए आप, बहुत छोटा सा ये होता है और पूरे पॉट को भर देता है, तो बहुत खूबसूरत लुक आता है इसका। ये भी जो है सारा मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था, मैं इतना सा इतनी सी टहनी जो है मैं कहीं से ले कर आई थी लास्ट ईयर, मुझे ध्यान नहीं है मैं कहाँ से लाई थी। तो और उसका जो है मैंने ये इस बार चार पॉट बना लिए हैं, तो इस तरीके से जो है बहुत खूबसूरत ये मेरा लग रहा है गार्डन। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो बहुत अच्छा लगे फ्रेंड तो आगे तक भी ज़रूर और ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू, आपका एक शेयर एक लाइक बहुत मायने रखता है फ्रेंड, बहुत मोटिवेशन देता है हम गार्डनर्स को, और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी जानकारी और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो ज़रूर और ज़रूर से करते रहे शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट्स। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।